everyone, assalamu alaikum. I'm Habiba Chaudhary and welcome to free professional makeup classes day 8. तो आज हम सीखने वाले हैं contouring. And contouring किस पे depend करती है? Face की shapes पे. तो चलें start करते हैं. हाँ जी, तो आज हम बताएंगे कि शेप्स किस तरह की होती हैं, कितनी शेप्स होती हैं और आपने उसको किस तरह से कंटोर करना है. तो सबसे पहले ये आपको सोचना है कि आपकी फेस की शेप क्या है. तो आप मोस्टली लोगों को तो पता होता है कॉमन शेप्स होती हैं, तो वो तो आप जल्दी से जज कर लेते हैं. लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट शेप्स होती हैं, उसको जज करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो वो मैं आज बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके फेस की शेप क्या है और आप उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. सबसे पहले आपने यही काउंट करना है कि आपकी फेस की शेप क्या है. तो फेस की शेप आपने इस तरह से मेजर करनी है कि आपका फेस के जो पार्ट्स हैं, फोर पार्ट्स आपने मेजर करने हैं. वो किस तरह से मेजर करने हैं? आप कोई भी इंची टेप ले सकते हैं. इंची टेप से आपने सबसे पहले अपना फॉरहेड से लेके चिन तक एरिया जो है वो आपने मेजर करना है, ठीक है. उसके बाद आपने इस फॉरहेड यहाँ इस कॉर्नर से लेके फॉरहेड के इस कॉर्नर तक आपने इंची टेप से मेजर करना है, ठीक है. ये हमारे टू स्टेप्स हो गए. एक ये स्टेप हो गया मेजरमेंट का और एक ये मेजरमेंट का स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप आ जाता है हाई चीक बोन पे. हाई चीक बोन हम मेजर करेंगे. अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लेकर जाएंगे. हाई चीक बोन भी आपने मेजर कर ली. थ्री हमारी मेजरमेंट्स आ गई हैं. अब फोर्थ लास्ट मेजरमेंट रह गई है. ये आपकी जो जॉ लाइन है इसकी मेजरमेंट अब आपने करनी है. यहाँ से लेके आप यहाँ तक मेजरमेंट करेंगे जॉ लाइन की, तो आपके पास फोर मेजरमेंट्स आ जाएंगी. तो सबसे पहले आपने ये सोचना है कि सबसे आइडियल शेप कौन सी होती है. सबसे आइडियल शेप जो फेस की होती है वो ओवल शेप होती है. तो हम जब भी मेकअप करते हैं वो हम उसकी जो कंटूरिंग करते हैं वो ओवल शेप के अकॉर्डिंगली करते हैं. तो इसलिए हम लोगों ने अपने फेस को सोचना है कि हमारे फेस की क्या शेप है और मेजरमेंट्स आपकी क्या आई हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको कंटूर करना है ओवल शेप को के अकॉर्डिंगली, ठीक है. तो अब वो हम जज करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे फेस की जो शेप है वो आपको क्या लग रही होगी. मींस के अब ये फॉरहेड जोन सा अगर मैं मेजर करती हूँ तो वो मेरा हाई चीक बोन से हाफ इंच या वन इंच कम है, ठीक है. हाई चीक बोन वन इंच ज़्यादा है. और मेरी जो जॉ लाइन है वो भी आपको बिल्कुल ऑलमोस्ट फॉरहेड के इक्वली है, ठीक है. अब ये एरिया इक्वल है फॉरहेड का और जॉ लाइन का भी इक्वल है, तो मेरी जो फेस की शेप बनती है वो स्क्वायर शेप बनती है, ठीक है. मोस्टली लोगों की इस शेप में हार्ट शेप भी होती है, जिनकी ये चिन बाहर को निकली होती है, ज़्यादा पॉइंटेड होती है. तो मेरे फेस की शेप जो सी है वो स्क्वायर है. तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी भी जज कर सकते हैं. फेस आप अपने मिरर में देखें और आपको अच्छे से पता चल जाएगा. तो अब मैं आपको शेप्स बताती हूँ. आपको मैंने ये भी बता दिया कि आपने किस तरह से मेजर करना है. मेजर करके आप अपने फेस की शेप को निकाल सकते हैं. अब ज़्यादा बेहतर आपको जब मैं शेप्स बताऊँगी तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा. तो चलें स्टार्ट करते हैं शेप्स को. तो हमारे पास आ जाती हैं 9 फेस की शेप्स, ठीक है. तो इसमें सबसे पहले ओवल शेप है. ओवल शेप सबसे आइडियल शेप होती है. हमने जो भी कंटूर करना है वो हमने ओवल शेप के अकॉर्डिंगली करना है, ठीक है. मींस के हमारे फेस के जितने भी उभरे हुए बाहर को पार्ट्स निकले हुए होंगे उसको हमने कंटूर करके दबाना है, प्रेस करना है और ओवल शेप में लेकर आना है. तो हम ओवल शेप मोस्टली इस टाइप का होता है. मींस के एग की तरह का होता है, या तो उसका यहाँ से वो ज़्यादा बारीक होता है, यहाँ से ओवल जो है वो थोड़ा मोटा होता है, या फिर नीचे से बारीक होता है, ठीक है. मींस कि ये ओवल शेप हो गया. नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास हार्ट शेप. हार्ट शेप हमारे पास कुछ इस तरह की होती है कि मींस के उसका फोरहेड और हाई चीक बोन जो सी है उसके मेजरमेंट ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं. हाफ इंच का डिफरेंस होता है. फोरहेड थोड़ा सा छोटा होता है मेजरमेंट में, हाई चीक बोन थोड़ी सी बड़ी होती है. और हमारी जो चिन होती है नीचे को आता है और चिन जो सी होती है वो हमारी बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होती है, बाहर को निकली होती है, मीन्स के तीखी होती है. तो वो हमारी हार्ट शेप हो जाती है, ठीक है. उसके बाद आ जाता है हमारा शेप आ जाती है ट्राइंगल अपवर्ड. अब ये मोस्टली लोगों की होती है जिसकी जॉ लाइन यहाँ से बहुत ज़्यादा निकली हुई होती है और फॉरहेड छोटा होता है, तो वो आपकी
ट्राइंगल शेप बन जाती है अपवर्ड, मीन्स कि मैंने आपको शेप बना के भी दिखाई हुई है, ये आपकी ट्राइंगल अपवर्ड शेप है, मीन्स कि उसका ये चिन जो जॉ लाइन एरिया होता है वो ज़्यादा बाहर को निकला होता है। नेक्स्ट आ जाती है स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप जो सी होती है, जैसे कि मैंने आपको भी अपना भी जज करके बता दिया है, मयर करके बता दिया है कि मेरा फोरहेड की मयरमेंट और जॉ लाइन की मयरमेंट इक्वल है, मींस के ये स्क्वायर शेप है, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है ट्राइंगल डाउनवर्ड। ट्राइंगल डाउनवर्ड में आपका फोरहेड जो सा है वो बड़ा होता है, मीन्स कि अगर आप उसकी मयरमेंट करेंगे तो वो बड़ी होगी, ठीक है। और अगर आप उसकी मयरमेंट करेंगे यहाँ से जॉ लाइन से तो वो आपकी कम होती जाएगी, मीन्स कि यहाँ से कम होगी यहाँ की ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये आपका जो हाई चीक बोन है ये भी कम होती जाएगी, मीन्स कि ज़्यादा से कम से बिल्कुल कम, तो ये आपकी ट्राइंगल डाउनवर्ड शेप आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाती है डायमंड शेप। डायमंड शेप में आपका जो ये वाली लेंथ है फॉरहेड से चिन तक वो आपकी लॉन्ग होती है, और आपका ये जो सा हाई चीक बोन एरिया होता है वो उसे 2 इंच शॉर्ट होता है, मींस के उसकी लेंथ कम होती है और ओवल शेप में थोड़ा सा आता है, तो वो आपकी डायमंड शेप हो जाती है, ठीक है। उसमें जॉ लाइन आपकी कम होती है, आपका फॉरहेड भी कम होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट आ जाती है रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप में स्क्वायर शेप में तो आपका ज़रा चौड़ा होता है ना माथा भी, और आपकी ये भी चीज़ चौड़ी होती है। रेक्टेंगल में आपका इससे थोड़ा सा 1/2-2 इंच जो सा होता है वो कम होता है, मींस के आपका फॉरहेड चौड़ा होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना आपका ये होता है फॉरहेड शॉर्ट में, उतना ही आपकी चिन जोन सी है और ये जॉ लाइन जोन सी होती है वो इक्वल होती हैं, मींस के वो रेक्टेंगल शेप हो जाती है। ये भी बहुत कम शेप्स होती हैं, ये इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत रियर शेप है। उसके बाद आ जाती है ओबलोंग शेप। ओबलोंग शेप वैसे तो हमें ऐसा लगता है कि वो ओवल शेप है, लेकिन उसमें ओवल शेप की तरह नहीं होता है, उसका जो ये चिन एरिया होता है ये भी वाइड बना होता है, मींस के थोड़ा सा निकला हुआ होता है ये एरिया जॉ लाइन से नीचे और चिन से ऊपर, ये एरिया जो सा होता है वो थोड़ा निकला होता है, और फॉरहेड भी यहाँ से आपका ये एरिया जो सा होता है वो ज़रा ये एरिया थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको कहते हैं ओबलोंग शेप। ये आपको मैंने बना के भी दिखाई हुई है ये ओबलोंग शेप। नेक्स्ट आ जाती है सर्कल शेप। सर्कल शेप बहुत इजी शेप है, वो तो आपको आराम से ही पता चल जाएगा, जिसका गोल फेस है, मोटे लोग हैं, गोल भरा हुआ फेस है, तो वो सर्कल शेप है। तो ये सारी शेप्स हैं जो कि आपने रीड करनी है कि आपके फेस की क्या शेप है, उसके अकॉर्डिंगली जोन सा पार्ट आपका बाहर को ज़्यादा निकला हुआ है उसको आपने ओवल शेप के अकॉर्डिंगली कॉन्टोर करना है। हाँ जी, तो अब डिस्कस करते हैं आपने कॉन्टोर क्यों करना होता है, किस पार्ट में करना होता है। कॉन्टोर आपने जो आपके फेस का फीचर ज़्यादा बाहर निकला होता है, ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा होता है, आपकी बोन्स ज़्यादा बाहर निकली होती हैं, उसको आपने कॉन्टोर करके आपने उसको एक लेवल में लाना होता है, उसके फीचर्स को इन्हांस करना होता है। जब हम फेस पे फुल बेस अप्लाई कर लेते हैं हमारा फेस इक्वल लगता है, हर चीज़ इक्वल लग रही होती है और वाइट वाइट सा अजीब सा लग रहा होता है, अगर उसमें शेड आ जाते हैं कॉन्टोरिंग के तो वो आपके फीचर्स को इन्हांस करता है, हाइलाइटिंग भी इन्हांस करती है, कॉन्टोरिंग भी इन्हांस करती है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं आपके फेस के फीचर्स के लिए, तो इसलिए हम कॉन्टोर करते हैं ताकि आपके पार्ट्स को इक्वली शार्पनेस दी जाए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ओवल शेप से। ओवल शेप में आपने कहाँ से कॉन्टोर करना है, आपने ये अपने फॉरहेड से लानी है कॉन्टोर, और आपने हाई चीक बोन तक लेकर आनी है, ठीक है, यहाँ तक आप कॉन्टोर करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हर ओवल शेप में आप कॉन्टोर करें, अगर आपको ज़रूरत है वो एरिया आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंटेड बाहर को लग रहा है तो आप कॉन्टोर करेंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको साथ में पिक्चर दी जा रही है, आप उसमें देख सकते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाती है हार्ट शेप। हार्ट शेप में जैसे कि फॉरहेड एंड हाई चीक बोन ये थोड़ा सा प्रोमिनेंटेड होता है, बाहर को निकला होता है, इसको हमने एक लेवल में लाने के लिए यहाँ से हमने कॉन्टोर करना होता है फॉरहेड और ये हाई चीक बोन एरिया को। नेक्स्ट आ जाता है ट्राइंगल अपवर्ड शेप। ट्राइंगल अपवर्ड शेप की
ये देखें, जैसा कि ये एरिया ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, आपकी हाई चीक बोन ज़्यादा बाहर प्रोमिनेंट हो रही हैं, तो आपने जस्ट हाई चीक बोन्स को जॉ लाइन्स बाहर निकली होती हैं, आपने जॉ लाइन्स को ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही होती है उसको कॉन्टोर करना है। फुल फेस को कॉन्टोर नहीं करना, जस्ट उस पार्ट को कॉन्टोर करना है जहाँ आपको ज़रूरत है, जहाँ जो आपका बोन बाहर को निकली हुई है उसको जस्ट कॉन्टोर करना है। नेक्स्ट आ जाता है डायमंड शेप। डायमंड शेप में आपने आपके जॉ लाइन के ऊपर वाला एरिया जो होता है और हाई चीक बोन से नीचे थोड़ा सा एरिया होता है, यहाँ आपने कॉन्टोर करना होता है, और फॉरहेड का ये फॉरहेड से थोड़ा सा नीचे जो पार्ट होता है, इन दोनों कॉर्नर्स को आपने कॉन्टोर करना होता है। तो ये आपका डायमंड शेप होगी, साथ में पिक्चर दी जा रही है, आप वहाँ पर देख के और ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप में आपने फोरहेड के जो कॉर्नर्स हैं इनको कॉन्टोर करना है, और जॉ लाइन के जो कॉर्नर्स हैं इसको कॉन्टोर करना है। और नेक्स्ट आ जाती है ऑबलोंग शेप। ऑबलोंग शेप जोन सी है, उसमें आपने जस्ट ये जो आपका एरिया है हाई चीक बोन के नीचे वाला एरिया, ये हाई चीक बोन से लेकर आपकी ये जॉ लाइन्स जोन सी हैं यहाँ तक जो एरिया आता है इसको आपने कॉन्टोर करना है, फुल फेस को कॉन्टोर नहीं करना। सर्कल शेप। सर्कल शेप बहुत इजी फेस होता है, इसके आपने पूरे फेस को ही कॉन्टोर करना है, मींस कि आप फोरहेड से लेकर आएंगे कॉन्टोरिंग जॉ लाइन तक, जॉ लाइन से आप चिन तक लेकर आएंगे, फोरहेड से लेकर आप हाई चीक बोन तक लेकर आएंगे, और किसी की अगर डबल चिन है तो आप ईयर के पीछे से लेकर आएंगे डबल चिन पूरी, आप इस तरीके से कॉन्टोर करेंगे। ठीक है, ये सारी शेप्स मैंने आपको बता दी हैं। नॉर्मल जो कैजुअल शेप्स होती हैं आम तौर पर कैजुअली, वो ओवल शेप होती है, हार्ट शेप होती है, स्क्वायर शेप होती है, एंड सर्कल शेप होती है। ये चार पांच शेप्स जोन सी होती हैं वो नॉर्मली हमारे फेसेस में पाई जाती हैं। अदरवाइज़ ये जोन सी दूसरी शेप्स मैंने आपको बताई हैं एक्सेट्रा, ये आपके बहुत कम रेयर होती हैं, ज़्यादातर नहीं होती हैं। ठीक है, बर्ली हम शेप्स को जैसे कंट्रोल करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लासेस में और डिस्कस करेंगे, और यहीं पर आज का सेशन ऑफ करते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करिएगा, जो लोग न्यू हैं वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। और यहीं पे इजाज़त लेते हैं, एंड डे 9 की क्लास में हम ब्रॉन्जिंग एंड कंटोरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन अ नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।